हे गाइस, तो अभी घर का काम मेरा हो गया सारा फिनिश। कपड़े भी मैंने धो दिए और खाना मैंने खा लिया है मस्त। और अभी मैं कर रही हूँ एक जुगाड़। तो ये हमारे इधर बॉक्स पड़ा है एक जो वेस्ट है, और इस पर मैं अभी कर रही हूँ पेंट। और पेंट करके इसको मैं क्या यूज में लेती हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास दो कलर के पेंट थे, एक वाइट था और एक ब्लैक था। तो मैंने पहले वाइट खोल के देखा तो इसमें अच्छी ग्रेस नहीं आई मेरे को वाइट करने में, और फिर मैंने ब्लैक पेंट खोला तो ब्लैक मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट ही कर दिया। आप बताना कौन सा पेंट अच्छा लगता कमेंट करके। मेरे को तो ब्लैक अच्छा लगा तो मैंने ब्लैक कर दिया था। तो गए जी, ये एक बाल्टी है जो ये ना टूट गई थी इधर से, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया, और इस पर भी मैं कर रही हूँ ब्लैक पेंट करके, और इसको मैं पूरा तैयार करके और इसको मैं बना लूँगी पॉट। तो ये अभी मैंने इसको भी पेंट कर दिया है इधर से, और थोड़ा थोड़ा मैं अंदर से कर देती हूँ ताकि मिट्टी डाले ना तो ऐसे इधर से वाइट ना दिखे और ऐसे लगे कि अंदर किसी को पता ही नहीं चले, तो फिर पता नहीं चले कि अंदर क्या है। अभी मैंने इस पे पूरे पे पेंट कर दिया है और ये मेरा पॉट बन के एकदम रेडी है ऐसे। तो गाइस, ये मेरे पास ना ये जो पेंट के खाली डिब्बे होते हैं ना वो पड़े थे, तो अभी इन पे भी मैं पेंट कर देती हूँ और ये हमारे बहुत ही सुंदर पॉट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इनके ऊपर भी मैं ब्लैक पेंट कर देती हूँ और ये बहुत ही अच्छे पॉट लगेंगे। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना डेकोरेट करने के लिए, वो इनमें हम लगा सकते हैं। ये दो बाउल थी, ये इनको पेंट करके यहाँ से छोटे छोटे पॉट बना लिए इनके भी। और ये वेस्ट जो हमारे पास डिब्बे पड़े थे ना पेंट के, तो मैंने इन पे भी पेंट कर दिया बाहर से ब्लैक कलर का। और अभी मैं कर रही हूँ अंदर से पेंट। तो गाइस, अभी मैं आ गई स्कूल से, अभी बहुत टाइम हो गया, तो अभी शाम का खाना क्या बना रही है मम्मी मेरे को नहीं पता, चलते हैं क्या बना रही है। ये तो मम्मी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। ये मैंने इधर प्याज काट के रखे हैं, प्याज इमली भिगो के रखी, चटनी बनाऊंगी अभी तो, और पालक काट के रखी, आलू बॉयल करके रखे है, और बाकी की सब्जी मेरी काटनी बची है। पकोड़े मेरा फेवरेट है। दादा, वो तेरे पकोड़े कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। थोड़े से तो बना लिए, अभी यहाँ पे तेल गरम रखा है और यहाँ पे बना रही हूँ चटनी पकोड़ों के साथ, और अभी चाय बनानी मेरी बाकी है थोड़ी, तब इसको बॉयल हो रही है चटनी, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब पूछते हैं मम्मी से कितना टाइम और लगेगा बनाने में। तो मम्मी, कितना टाइम और लगेगा? बस बना रही हूँ, थोड़े तो बन गए अभी, थोड़ी बस तो गाइज, मेरे पकोड़े बन के हो गए तैयार और मैं खा रही हूँ पकोड़े। ये मैंने चाय बनाई है, चटनी और पकोड़े। देवू ने खा लिए, वापस कह रहा है मेरे को भी खिलाओ, और आसु ने भी खा लिए, वापस खाने लगी। अच्छे बने हैं क्या ज़्यादा? देवू ने तो एक बार खा लिए, कह रहा है वापस खिलाओ। कैसे बने देवू, ज़्यादा अच्छे लगने लगे क्या? तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।